यार, ठंड हो गया भगवान। ये ठीक है ना। देखिए ये तीन दिन से देखिए कितना लाइट बंद है पूरे जम्मू में, और बहुत ही परेशानी हो रही है यहाँ के लोगों को। और लाइट बंद है, उसके साथ पानी भी नहीं आ रहा है। जो बुज़ुर्ग हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि तमाम इनकी लोगों की मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, वो मान लेनी चाहिए। लाइट बंद है और इसकी वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो भी रुक गई हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। बिजली की वजह से पानी बंद हो गया है, वो पानी की प्रॉब्लम हो गई हुई है। बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है ना। उनकी आज पूरे दिन, दो दिन से उनकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, पढ़ाई में उनकी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी ऊपर से मुश्किल आ रही है। हीटिंग जो हमारे ये थे, रूम हीटर या कुछ लगाते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो यही सहारा था कि वो इससे अपने आप को थोड़ी गरमाई दे सकते थे, लेकिन ये सारा सिस्टम बंद हो गया। गवर्नमेंट को जितनी भी जेन्युइन डिमांड है वो इनकी माननी चाहिए, जो लीगल डिमांड है, ताकि जो स्टूडेंट है उनको फेलियर ना हो। किसी बच्चे ने ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कुछ भरना है, बैंक से पैसे निकालने, कुछ करना है। आजकल हमारे टेंथ के फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। साइबर कैफे बंद है, किसी ने फोटो खींचनी है, सब कुछ टोटल बंद है।